पंचायत में जो भी हो रहा हो कि उनने 2000 का वोट देखो हम बताएं प्रत्याशी की गलती नहीं है, ये गलती प्रत्याशी की नहीं है, ये मतदाता की गलती है कि जब अपना मत का एक अमूल मत है इसकी कोई कीमत नहीं है, तो यदि अगर अपना मत बेचते हैं तो किसी से अपनी बात नहीं रख सकते। बड़ी बात एकता निर्णय लेके चल रहे हैं हम लोग, ऐसे आदमी को बनाना जो विकास करेगा और विकास की नैया को पार लगाएगा, सब लोगों की सुनेगा। पानी के लिए हर गांव हर मोहल्ला परेशान, पढ़ाई लिखाई क्या है कि माशाबाज कुर्सी पे बैठ गए, बच्चन की कोई निगाह नहीं है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे, कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ। नमस्कार भैया, राम राम, मैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है आज समरा भाटा में, करीब 6-7 मजरा जोड़ के जो पूरी ग्राम पंचायत है 1900 के आसपास की, ई ग्राम पंचायत की वोटिंग है। ई ग्राम पंचायत में जानबे आए कि का एते को माहौल है, का चुनावी माहौल बनना हो, का जनता को मूल बनना हो, लेकिन ऊके पहले जो वोट मांग के चले गए जनप्रतिनिधि बना दो गांव की जनता ने, वे कभी गाँव में आए कि नहीं आए, इनकी समस्याएँ देखी कि नहीं, और का एते की समस्याएँ हैं। सबसे पहले शुरुआत इतनी से करें, हमारा नाम विपिन पटसारी है, पटसारिया महाराज, गांव में काका समस्याएं हैं मुख्य समस्या? एक तो एग्जस्ट पूरे गांव नहीं है इकट्ठो, इसमें समस्याएं तो सब जगह है, ठीक है, और अपनी अपनी समस्याएं, और सबसे बड़ी बात एकता नहीं है हमारी पंचायत में। पंचायत में एकता नहीं है? एक बैठी तो दिखा रहा है संगे। अरे भी ऐसे तो अबे आपका सो मोए बैठा है, ऐसे बैठे ही है केवल, अंदर से एक नहीं है। हाँ, एकता नहीं है, एक दूसरे को दुख दर्द नहीं है, कोई को एकता का नहीं है। जावर बताओ, अपने अपने मन के हैं सब, क्या है नहीं है, कौन कमी तो रही है, कौन कारण हुई है कि इसे अब बेमनस्ता फैल? अब ये तो सब जैसे पारिवारिक समस्या के हिसाब से सब फैल फुटे आदमी, ठीक है, स्थायी भाव काम वैसो कछु नहीं, लेकिन अंदर मन मुटाव है गांव के लोगों में। ब्राह्मण की कितनी बकरी है? ब्राह्मण की 2 बकरी हैं, केवल 2? 1900 की वोटिंग में कितने वोट हैं? 2 बकरी हैं पूरे, मान 15 वोट करे, 15 वोट बस, ओको 10 ही कड़वे। और ई के अलावा और सबसे ज़्यादा कुशवाहा जी हैं ई गांव में, गांव की समस्या को मतलब जो है कि पूरी सामूहिक सबकी समस्या हुई, जैसे सड़क है, सड़क डलत तो पटसारिया महाराज भी नंगे, कुशवाहा जी भी नंगे, लाइट आए तो सबको मिले, पानी आए तो सबको मिले, व्यक्तिगत समस्या नहीं पूछ रहे, गांव की समस्या व्यक्तिगत ही तो कह रहे हैं। पानी की क्या स्थिति है? पानी की बिल्कुल 0 है, पानी के लिए हर गाँव हर मोहल्ला परेशान है हमारी पंचायत का, ठीक है, लाइट ऐसी है पर्याप्त मात्रा में मिल रही सब जगह, सड़कें ठीक ठाक हैं, पानी की समस्या है पीवे की, पानी की समस्या, लेकिन गांव-गांव में देख रहे हैं पाइप की लाइनें बिछी, रोड खुद गए बीच में से भी अभी तक नहीं जोड़े, पानी में सप्लाई कहूँ नहीं आई ना, टंकी बनी है जो टंकी को काम है तो चलक, महीना 2 महीना में एक आदमी मशीन आए चल गई, बंद है 2 महीना को फिर चल गई, मतलब पानी की समस्या है। क्या साल से चल रहा जो काम? जो काम करीब 2 साल से चल रहा हूँ, टंकी 2 साल में काम पूरा नहीं हो पाओ, टंकी को अभी कछ गई नहीं हो, पाइप लाइने बिछ गई थी, लाइने जो मतलब जल लाइन आ रही बानी बिछी, जो सिमरा है टंकी बनी ऊ की लाइन जुड़ी इतने तक, ई की लाइन बिछी ओनली, उसमें पानी आते बस उते सिमरा के इतने थाने के पीछे बाल लगवाए, सोते सब बंद कर हुए हैं, जो भी नेतागण जो भी कर हुए हैं वो बंद है बाल, इतना सप्लाई नहीं है, उस भाटा छोड़ के और पानी सिमरा में बराबर जा। कछु जने कह रहे थे कि हमें बात करवो नहीं आत, पसीना आत मंच पे, कुआ पसीना भाई जी, अब उन्हें महाराज को तो पसीना नहीं आ रहा पटसारिया महाराज को, तुम्हें का पसीना आ रहा महाराज को बिगड़ देखो, वो तो गर्मी से आ रहा का नाम अपन को? अपने लक्ष्मण कुशवाहा। कुशवाहा जी, अच्छा, कुशवाहा जी को ज्यादा बाहुल है ही गांव में, कुशवाहा जी खेती बाड़ी करत हुई है? खेती अपन नो है, 4 भैया है और 1 एकड़ जमीन है, 4 भैया के बीच में 1 एकड़ जमीन है, सारी जने मिल बांट के करत हूं, मैं सब भी बटी है, उमे तो 10-10 डिसमिल जमीन बैठ है, उमे भी टुकड़ा कर ले, टुकड़ा है साहब, बहुत बढ़िया, का बहुत का करत अब अपन तो जो मजदूरी कह साहब हैं, हां मजदूरी करन लगे, चलो का मजदूरी कैसी का मिल जा, अपन अपन जहां सी से आम ले आओ, हां टमाटर ले आओ, उमे बिजनेस चल रहा अपनो, अरे ना कह रहे मजदूर हो ना कह रहे मालिक हो, मालिक को आज जो सामान ले आ रहा बेच रहे थे, तब भी तो मजदूरी है, छोटो मोटो धंधो पानी है अपनी, फायदा आयदा हो रही है? फायदा तो खुद है, चलो बढ़िया है। गांव में पढ़ाई लिखाई की बच्चन की क्या स्थिति है? जहाँ तो बिल्कुल समस्या गड़बड़ा है, पढ़ाई लिखाई जा है कि माशाबाज कुर्सी पे बैठ गए, बच्चन की कोई निगाह नहीं है, पढ़ावे की कोई निगाह, माशाब आते हैं और आते हैं रोज, उनको सही शिक्षा नहीं के मामले में, अच्छा ये कद भैया जी से पूछ रहे, वो बताओ एक एक करके, इमे कद कितारी के माँ सब काय नहीं पढ़ा रहे, का हो जाए तो पढ़ाने लगे, कछु दिमाग में है जो है कि पहले हम भी पढ़े कक्षा 1 तक पढ़े, और हमें एक दिमाग है कि 10 तक के आदमी को होशियार है,
आज कहा है कि माँ सवाया सो पीपल लेके बैठ गया कुर्सी पे, बच्चा चाल कर रहा हो तो उसको समझाओ ने नन्या चाल ही कहते रहो तो शासन पैसा दे आओ काय को दे आओ पढ़ावे को इनको जो नन्या के बच्चा होशियार हो जाए उन्हें तो जो है कि हमारी तो तनख्वाह मिल रही बच्चा बर्बाद हो जाए। अच्छा ऐसा कछु हो सकत के मास्टर जो हैं वे पढ़ान लगे हैं बच्चन को तो शासन अगर उनके ऊपर पीस हटाए तो पढ़ाने लगे एक वैक्सीन जाने मास्टर को हैं एक वैक्सीन लग जाए सही हो जाए सही हो जाए। अपन को का नाम अपन नंद किशोर कुशवाहा समरा भाटा जी। आप भी कुशवाहा जी हो बहुत बढ़िया। आपको का धंधो है? हमारा धंधा कुछ नहीं कृषि है खेती बाड़ी। जागा कितने का? जागा थोड़ी सी एक एकड़ के लगभग। एक एकड़ का दिक्कत का आ रही खेती बाड़ी में सिंचाई की क्या व्यवस्था? कोनो परेशानी नन्या परेशानी कोनो नन्या कुल मिला के भगवान की कृपा है जल पानी देख है के पूरी थी होता जल पानी कहाँ से आज जल पानी खुद की व्यवस्था है निजी या नहीं कभी कभी कमी पड़ जा तो नदी से लिया नहीं तक उगा में से पूरी थी हो नदी इतनी लगा है एक किलोमीटर आगे कौन सी हम सलैया पाठ आगे अटा घाट के पास। हम जा कह रहे थे कि कोकाऊ की जमा ई शासन में कोकाऊ की ना सुन रहा हुआ है और ना गुन रहा हुआ है। जैसे हम वर्तमान में कुगा घर पड़ो तो फागुन के महीना में तो कोई हमने देखो सरपंच को विधायक को सबको फोन लगाए थे तो को ना ने कोने हमारी यात्रा सुनिया है और ना कोने उन्हें गुनिया है के बल्ला को देखे हमने चढ़ लो अब बताओ। तो न का उन्हें सुनिया है कि इनको कुगा घर पड़ो तो हमें इनको मतलब तसल्ली धरवावे की बात रखें कि का करेवे। आज लोग हमारे कुगा में बिल्कुल सिंगल पानी नहीं है कि हम चुरू भाई दूसरे कुगा से ले आ रहे हैं पानी बिल्कुल पानी नहीं बिल्कुल पानी है ही नहीं है पूरा 164 डरो। अब खेत में अगर पानी लगाने हुए तो कैसे लगे ना कैसे ये सब सूख जाने फसल। अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं हम सरपंच से कह चुके विधायक से कह चुकी जिस सरपंच और विधायक बनात को है जनता और जनता में आप भी हो जनता में हम भी हैं तो ऐसे आदमी को काय बनात जो सुनते ही नहीं फिर चुनाव आ गए फिर कौन ऐसे आदमी को बनावा। वे तो अब हा हा पांव पन्ने और सारी व्यवस्थाएं करने और आज आज मत लेके वो अपने राजा बन जाए से कहूँ चित्त में नहीं देने तो कछु उपाय है ही कि जैसे जनता है कई के जनता भी होशियार हो जा रही है अपने तन के संगे तो जनता इतनी होशियार काय नहीं हो पा रही कि हर बार कौन नौ आदमी आत वोट मांगत पाँव परत एक महीना की उनकी मेहनत सो डटके पाँव परत सौ सौ दार और फिर पाँच साल को फिर गायब हो जाते। पाँच साल को इसलिए गायब हो जाते कि हर प्रत्याशी हर मतदाता अपनों तख्ता में हम देखता है कि लो हमारा मुँह दिखाना जज जी जो कुछ है हमको मिलना जज जी और वह सब जनता भाड़ में जावे मतलब हर आदमी सुप्रत्याशी सोच रहा हो और सुमतदाता सोच रहा हो जिसे पूरी मतदाता पंचायत पूरी बर्बाद है। कछु उपाय है आपकी नज़र में कछु हो जाए ऐसो के सब बदल जाए? एक उपाय में का उपाय है इसमें तो उपाय एक ही उपाय है कि जैसे सब जने का बुद्ध जी पढ़े लिख में बच्चों स्कूल में भेज में हैं लगन से काम करवा में साझेदारी बनवा में सुमत बना में तो इसे हर जगह सुनाई हुई है। पटसारिया महाराज कह रहे थे जा गाँव में एक तो नहीं है सुमत नहीं नहीं तो सुमत तो ये बीच बीच में नहीं निकलो वहाँ से देख रहे हो ना कि कैमरा चल रहा है सुमत में सुमत बनाए तो बने और बिगाड़े तो बिगड़े। जैसे कोई एक दूसरे की थोड़ी अगर कोई ने बढ़ चढ़ के बात की तो गम्मता रखना चाहिए बड़ों का आदर करना चाहिए छोटों से प्यार रखना चाहिए बच्चों को स्नेह देना चाहिए बच्चों को स्कूल पहुँचाना चाहिए तो आगे बस बड़े गाँव में चाचा दारू बिकत है दारू नहीं बिकती है लेकिन लगभग कलाई से जी के पीने उसे कलाई से लेके आती है। कलाई कितनी दूर? कलाई से कम एक किलोमीटर है घूम के जाने उसे मेरा एक ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी चाचा मोड़ा मोड़ी अब कचंटी खेल रहे थे उतना से एक अम्मा की आवाज आ रही थी कि पैसा हो तो खेले पैसन से खेलत नहीं पैसन से नहीं खेलत बेस 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 ही लगे खेले वे खिलाने मोड़ा मोड़ी पैसन से तो नहीं खेलत नहीं खेलत। चलो बढ़िया है और कौन कछु कह पो चारो जी भाई साहब ये का है आपके हिसाब से और का बढ़िया हो सकत ई गांव में? ई गांव में अगर होने के लाने तो बहुत सारा विकास हो सकत अगर चाहे मतलब जो भी प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में है अगर उनके मन में शिक्षित अगर कोई ईमानदार प्रत्याशी जीत के आ रहो तो वो विकास के लाने बहुत कुछ कर सकते ही। जैसे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पर कम से कम दो दो किलोमीटर दूर से पानी लेके आने पड़ रहा और वो भी पानी नहीं मिल रहा कुगा भी सूख गए तो वो भी पानी की व्यवस्था भी करवा सकत प्रत्याशी अगर चाहे तो। और सड़कें खराब हैं नालियन की व्यवस्था खराब है स्कूल की शिक्षा बेकार है जो टीचर समय पर स्कूल नहीं आ रहे अब जैसे कोरोना काल में प्रभावित बहुत कछु समय के लाने स्कूल लेकिन अब तो को सुधार हो सकत के नहीं हो सकते तो समय पर स्कूल भी नहीं खुल रहे
समय पे नहीं खुला, समय पे नहीं खुला, दूर से पृथ्वी पर से टीचर आ रहा है और समय पे स्कूल भी नहीं खुला। बच्चन अब देख रहे थे आप आए जब उस टाइम पे बच्चा कचंटी मचंटी खेल रहा है, बड़े लोग भी उन्हें समझा सकते कि कचंटी मचंटी खेल वो का जरूरी है, एक दो घंटा के लाने किताबें खोल के बैठो पढ़ लिखो लिखो, अच्छी शिक्षा मिले तो आगे बढ़ सकती, विकास भी हो सकता। अगली बार अपने क्षेत्र से जिला पंचायत को सदस्य को हटो अगले नंदराम कुशवाहा, कुशवाहा जी आए गांव में, कौन गांव की थी जी? महुआ बाग के थे, गांव में आए थे, कभी उनसे समस्या रखी कि हमारे ते पानी नहीं आ रहा पीने के पानी की? नहीं वो गांव में आए नहीं ना, आदमी उनको मिले नहीं है, कई लोग तो पहचानते भी नहीं है, मेन चीज़ जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो पहचानते हैं मिलते हैं, अब हम लोग समस्या रखें, जीतने के बाद कोई प्रत्याशी नहीं आता है, साफ बात ये है। वोट भी अपने ही लोग देते, एक बार फिर से चुनाव है, सरपंच भी अपनी को बनाना है, जिला पंचायत को सदस्य भी अपनी को बनाना है वोट डाल के, और आगामी विधानसभा को चुनाव है, विधायक भी अपनी को बनाना है, जब बना अपन रहे फिर अपने ही शिकायत करें कैसे चले जो, या तो ढंग के आदमी को बनाओ। बस इस बार यही निर्णय लेके चल रहे हैं हम लोग, कैसे आदमी को बनाना जो विकास करेगा और विकास की नैया को पाल लगाएगा, सब लोगों की सुनेगा, जीतने के बाद हर पंचायत में घूमना चाहिए और समस्याएं जान के उन्हें निपटाएं चाहिए, निपटाना चाहिए, जो अधिकारी हैं उन पे प्रेशर भी बनाना चाहिए, जो काम करो और का, सब जनता जब अगर वोट कर रही है एक मत होकर और जीतते हो तो हम तो समस्या जरूर सुनना चाहिए सब। ऐसा कौन हूँ अब भरोसेमंद दिखा रहो के नंदराम कुशवाहा की तरह जीत के भगना जाए, जबकि इतनी रहे क्षेत्र में घूमत रहे, हम कह रहे रोज नहीं लेकिन 15-20 दिन में गांव वालों बैठ के एक बार उनकी समस्या लिखवावे, फिर जिला के अधिकारियों तक पहुंचावे कि गांव में जा समस्या है, गांव में जा, ऐसा कौन नजर आ रहा? हाँ ऐसे भरत यादव हैं जैसे बनियाली, वो अब इतनी दिलासा दिला रहे हैं, सब लोगों से बोल भी रहे कि जिस चीज जिस समय तुम्हें कछु भी काम की जरूरत पड़ जाए, रात में 12 बजे भी जरूरत पड़े तो हमें फोन लगाओ, हम तत्पर मौजूद रहेंगे, वो हर समस्या के लिए तुम्हारे बीच में रहेंगे। जी तो बॉस चुनाव की बातें हैं ना, चुनाव आज सब नेता कन लगत के हम आए, रात के बुला लो, रात के आए, दिन के बुलाओ, दिन के आए, चुनाव के एक महीना के लाने तो 100 दार तुम कहो 100 दार पाओ पर प्रत्याशी, लेकिन चुनाव के बाद एक बार मौका दे, व्यवहार अच्छा है मौका दे के देखना चाहिए, चलो एक बार देख लो। उम्मीद लग रही कि आए, उम्मीद है ना, इसीलिए तो हम सोच रहे कि शायद। आपका नाम भैया? राजेश राजपूत। आप राजपूत जी हो, राजपूत जी आपके हिसाब से गांव की कछु ऐसी समस्याएं हैं जिन पर काम होने चाहिए, कोखो जिला पंचायत सदस्य बना के वो जिला में पंचायत में बात रख पे जिला में? देखो गांव में समस्याएं तो बहुत सारी हैं और नेता लोग इन समस्याओं को मुद्दा भी रखते हैं, लेकिन समस्याओं को बना के मुद्दा का वो कर देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वादा कर देते हैं, लेकिन इन बाधाओं को कोई निभाता नहीं है ना कोई सुनता है। एक बार जो सरपंच बन जाता है तो वो सरपंच बनने के बाद खुद कमाने लगता है, खुद अपना पैसा पेट भरने लगता है, और यही सब है कि कोई मतलब सुनता नहीं है, और जो जो उनकी चापलूसी करते हैं या जो मतलब थोड़ा एक कर चलते हैं तो वो उनको साथ लेते हैं, या फिर उनसे मिलके वो कुछ सोचते हैं कि चलो तुम्हारा भी कुछ अच्छा करवा देंगे, गरीब जनता इससे कुछ मतलब उसका फ़ायदा नहीं। कौन लग रहा हो कि वो अपना पेट ना भरे, अपना पेट भरे भारत सब नेता हैं, लेकिन संगे संगे जनता की समस्या को भी ध्यान रखे, स्कूल में मास्टर नहीं आ रहा, उन्हें चेताएं कि भैया पढ़ाओ तुम परे ना रहो, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइन डर गई लेकिन अभी तक नहीं है, टंकी में 2 साल से काम लगो पानी बन पा रही है, कौन ऐसा नेता मैदान में? देखो नेता तो हैं लेकिन किसकी कह सकते हैं कि कौन क्या कर, मतलब कर सकता है कर नहीं सकता है, अभी तक तो बहुत सारे आए हैं, जैसा अभी से क्या 20-50 साल से यही होता चला आ रहा है, आप किसकी कह सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चुनेंगे इस बार कुछ किसको चुनना है, अच्छा कोई नेता हो तो वो अच्छा इस क्षेत्र में फाइट की मैं हो सकत को लग रहा है ठीक ठाक 2-4 प्रत्याशी सही जो काम करवे लायक हो जिसे लगत के हो काम करें 2-4 नेता? देखो ये तो सिमरा भाटा है, सिमरा भाटा में है प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी हैं सरपंच में? जिला पंचायत में, जिला पंचायत में, जिला पंचायत में तो भरत है जो कि दिखा, भरत और गोविंददास है, गोविंददास कुशवाहा जी, गोविंददास कुशवाहा है वो भी, हाँ वो भी बहुत अच्छा काम मतलब देख सकते हैं, लेकिन उससे तो दो प्रत्याशी हैं जी। चाचा हैं, चाचा अपन अब कह रहे थे कि झांसी जात, झांसी से काका सब्जी ले आते, हम आम ले आ रहे हैं सीजन पे और टमाटर ले आ रहे हैं कच्चो आम के पको वालो दशहरी, दशहरी तो अगर आप उतर से 10 रुपया किलो ले आए तो को नहीं मिल रहा, 28 रुपया किलो मिल रहा, 35-40 बेच जाते हैं, 28 को ले आ रहे हो 35-40 को बेच रहे। चाचा आपने तो कह दी कि 28 पे 7 कमा रहे हो, जो प्रत्याशी 28 लाख खर्च कर रहा हो वो अपनी पूंजी निकाल रहे पहले तो, और फिर कमाए तो जो आदमी दारू पी रहे पैसा ले रहे वो अपनी पूंजी निकाल, पूंजी निकाले चाहे प्रत्याशी से खर्च नहीं कराओ तो वो काम करे, काम करे जो आज भी पैसा बट रहा हो
और दारू हम के बट रही बट रही बट रही यानी कने को बांट रहो जाने तो दिक्कत हो जाए हो लेकिन बट रही बट रही इसलिए कलाई बंद कर दो पांच दिन पहले से तो कहां से मिलेगा हो जाए चुनाव वोटिंग के दो दिन पहले से बंद हो जाए काय चाचा जब प्रत्याशी 28 लाख खर्च करे हां तो कमाई नहीं वो अपनी पूंजी निकाल बिल्कुल निकाल रहे हो कमाई वो तो जो तो कमाई जात देखो हम बता प्रत्याशी की गलती नहीं है जे गलती प्रत्याशी की नहीं है जे मतदाता की गलती है कि जब अपना मत का एक अमूल मत है इसकी कोई कीमत नहीं है और यदि अगर अपना मत बेचते हैं तो किसी से अपनी बात नहीं रख सकते हैं यदि अपनी तुमने मत 1500 में 2000 में 5000 में तुमने अपना मत बेच दिया है तो तुम कभी किसी से ये नहीं कह सकते हो कि हमारा जो काम कराओ क्योंकि तुमने अपना मत बेचा है। सही बात तुमने 2000 रुपया ले ले 2000 रुपया ले ले तुमने कहूँ अपना जानी कहा कि हम मतलब जब तुमने वोट मांगे हाथ जोड़े तुम्हारे पाँव पड़े और तुमने पैसा भी लाए अब तुम काम बताओ किस बात को हम तुम्हारा कर दें तुम भी पैसा दो तो हम तुम्हारा काम कराएंगे इसलिए विकास की तौर पे आजकल मतलब समस्याएं इसे जो क्षेत्र पिछड़ो है हाँ यही इसी से पिछड़ा है ये क्षेत्र। एक और चाचा बैठे होते बुजुर्ग उनसे भी जाने उन्हें भी बहुत अनुभव हुई है बहुत चुनाव देखे उन्हें चाचा का नाम अपन को गिरिराज सिंह परमार करंट आ जाए गिरिराज सिंह परमार साहब जी परमार साहब आपको क्या लगा फिर से चुनाव आ गए अपने थे और फिर से प्रत्याशी आने लगे वोट मांगने लगे पंच के सरपंच के जनपद के और जिला पंचायत के क्या लग रहा हो आपको इस चुनाव से बदलाव होत कछु विकास होत विकास तो होत है और नहीं होत है बाकी ना विकास सबके होत है और इतने की समस्या मेन यही है पानी सबसे बड़ी समस्या है कि जितनी जल्दी हो सके जब पाइप लाइन चालू हो जाए या टंकी बन जाए तो समझ लो आधी समस्याएं निपट गई। दूसरी समस्या है गांव में का बेरोजगारी कोनो प्रकार को अगर धंधो इतने ऐसा खुल जाए मतलब सरकारी कि जी सब पढ़े लिखे हैं घूम रहे हैं हाँ ठीक है अब मतलब जैसे अब पहले को 10 पास है को 11 पास है आज उनकी वैल्यू नहीं है लेकिन अगर धंधो तो भी कर ही सकता अपने लाने है अब्बा पढ़ाई जो आज चल रही वेन पड़ी नहीं ठीक है तो आज अपने मतलब मेहनत मजदूरी से अच्छा तो कोनो काम धंधो न कर जाए सरकारी तो सब आदमी लग जाए और अपनो काम धंधो करने लगे दारू वारू छूट जाए आदमी ने की पीबो अब जी अब आप एक चीज बताओ जैसे तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं इनमें से कितने परसेंट खुद के फायदा के लाने चुनाव लड़ रहे हैं और कितने परसेंट जनता के लाभ के लाने देखो अपने लाने तो सब ही लड़ते हैं खुद को विकास हो जाए अब उन्हें समस्या जा हो जाए कि उन्हें हम पहुंच जाएं कि आप पहुंच जाओ तो अगर जितना बने तो भी कर दें और नहीं बने तो भैया बोले फिर चुनाव आ गए फिर ऐसा आ गए ये सब समस्याएँ हो जाती हैं जाए थे कि बात है तो कि पंचायत है तो तमाम लोग हते इन लोगों से बात करी कुशवाहा जी के सबसे ज़्यादा वोट हैं आप भी कुशवाहा जी हो भैया का नाम अपन पहलवान पाल साहब आपको क्या लगा चुनाव आ रहे हैं कछु नहीं लगा फिर वोट वोट डार भेजाओ कि ना जाओ वोट डार भेजो कौन मुद्दा पे वोट डारो काय के लाने वोट डारो जो बता दो ना हमें कछु लाभ आए ना हमें उनसे चाने आए ना हमें आज तक भाई जाए वोट काय के लाने वोट चाने से वोट हम दिया है वोट का सोच के डार देते ऐसे ही डारे आओ वोट बोले वोट डालने से वोट डारे हम तो ऐसे ही डारे हैं कछु दिमाग लगाओ की खून जैसे 10 खड़े कैसे चुनाव के सबसे बढ़िया कोर है कि जी चाहे खून डारते हो जी चुने दिखाए कछु दिमाग नहीं लग रहा चलो बहुत सीधे साधे इंसान है इसे नहीं बता पा रहे एक और भैया खड़े बैठे हुए कोने में बताओ कछु ब्रिजेश यादव उनको चर्राट उत्तर प्रदेश में बहुत है इतने की नहीं है इतना ढीले ढाले लगा था मैं ढीले ढाले नहीं इतना दिखान नहीं चाहूँ ना इतने दिखावो नहीं चाहूँ संगे रहन चाहूँ कोनो मतलब नहीं है उखड़ फुकड़ कर भी से जी बात बहुत अच्छी की सबकी संगे रहे बचाऊँ बिल्कुल का लग रहा है इतने को माहौल आपको इतने आज भी सड़कें उथल पुथल कच्ची अच्छी हैंगी बरसात हो तो पानी भर जात पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है पाइपलाइन भले ही गांव गांव बच गए लेकिन उनमें पानी अब भी नहीं आ रहा कई गाँव में लाइट टेंडर नहीं लेकिन बिजली नहीं आ रहे बिजली विभाग बारे डीपी उठा लेगा एक एक महीना पहले और अब तक डीपी नहीं रखी बिल्कुल सही बात है ये समस्या कैसे निपटे थे मध्य प्रदेश की ऐसे अच्छे नेता चुनने आए अपन हाँ प्रत्याशी को अच्छे चुनने आए तो वो आगे जाके मदद करे अपनी
अबे कौनू ढंग को प्रत्याशी नजर आ रहा हो जिला पंचायत में, जो जिला में बात रखा है आपकी? जिला पंचायत में तो गोविंद दास कुशवाहा है, भरत बनियानी है, इनको बढ़िया मतलब चल रहा है और दो ही बढ़िया है। दो प्रत्याशी इनको तो अच्छो है, गोविंद दास कुशवाहा और भरत बनियानी। इनमें से युवा को है की उम्र? दो ही युवा है। दो ही युवा है, बहुत बढ़िया। दो ही प्रत्याशी युवा है, चुनावी मैदान में है, दो लोगों की ई गांव से चर्चा है। और वार्ड नंबर 7 के अलग अलग गांव में हम जब गए, शुरुआत पपावनी से करी हमने, नेगवा से जैसे अंदर आए ओरछा से नेगवा, और नेगवा से फिर सीधे अगर पपावनी वाली रास्ता रखो अपन जीरा खास वाली, तो सीधे वार्ड 7 में आ जाते। पपावनी से शुरू भई, पपावनी में दो नाम चले, पुष्पेंद्र यादव और भरत यादव को सबसे ज़्यादा बढ़िया स्थिति तो भरत यादव की देखी गई। इसके बाद बनियानी में आए दो जो प्रत्याशी, पुष्पेंद्र यादव भरत यादव हैं, वही गांव के हैं, एक ही जाति से हैं। उतः यादव समाज को ज़्यादा वोट है इसे दो जन में, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकत। लेकिन एक दादा ने बताई कि एक प्रत्याशी व्यवहार कुशल है भरत के परिवार में, करीब 4-5 वर्षीय प्रधानी रही, जबकि पुष्पेंद्र की परिवार में 1-5 वर्षीय प्रधानी रही। उतः भी भरत और पुष्पेंद्र की बढ़िया स्थिति है। और आगे बढ़े तो जीरा खास में भी गए, जीरा खास में अहरवार समाज को पूरा मोहल्ला है, और सबसे ज़्यादा जो बाहुल कहें अपन जीरा खास को, अहरवार समाज को सबसे ज़्यादा वोट है। उतः भी स्थिति ऐसी है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, उतः समस्या हर गांव में मिल रही लेकिन निपटाओ नहीं गो। और हर जगह जा शिकायत है कि जीखों भी हमने सरपंच के लाने चुनो तो, जिला पंचायत सदस्य के लाने चुनो तो, वे वोट लेबे के बाद, जीतबे के बाद कभी भी गाँव में नहीं आए, लोगों की समस्या नहीं जानी और ना समस्या निपटावे के लाने कछु काम करो। अब हम तमाम गाँवों के बाद इतने आए हैं सिमराभाटा गांव में कुशवाहा बाहुल जो क्षेत्र है या ग्राम पंचायत है कुशवाहा बाहुल की, और इतने से भरत यादव के संगे एक और नाम जुड़गो, हर गोविंद कुशवाहा, कौन से गोविंद दास कुशवाहा जी को नाम जुड़गो, कि उन्हें भी अच्छो खासो वोट मिले, भरत यादव को भी अच्छो खासो वोट मिले। वीर सागर के भी एक प्रत्याशी हैं गजराज यादव, तो वीर सागर में भरत यादव और गजराज के बीच में फाइट हो सकत है। अलग अलग गाँव में जब हम जा रहे तो एक नाम कॉमन आ रहा है भरत यादव को, हर गांव में फाइट को उसे हो गए लेकिन फाइट है भरत यादव से, ऐसो कहे बुन्नीचर को अच्छो आदमी है। हाँ। ठीक है, और लगभग अब तक सबके काम में आया है बगैर पद के। हाँ। मिलता है मिलनसार आदमी है, बगैर पद के सबके काम में आता है और सुनता है, जैसे अपन रोकेंगे तो रुकेगा, आपकी बात जरूर सुनेगा, कुछ योग्य नहीं है फिर भी वो सुन तो लेता है। और ब्लॉक में थोड़ा बहुत अगर जान पहचान है तो सामने वाले की समस्या को निदान भी करा दे, तो अबे भी अबे बिना कछु है। हाँ, बिना पद के भी समस्या का निदान कराता है वो। अब अगर पद दे भगवान को, अगर नीति पे चले भी, भगवान ना दे पद जनता दे, नहीं भगवान तो आशीर्वाद दे। हाँ, अगर ये सुनने चाहे तो सफल होंगे तो शायद जनता को सहयोग करे आगे। अच्छा, भरत जैसे गांव-गांव घूम रहे, आप कह रहे के निकलो रोक ली बात सुनत। हाँ। चुनाव जीतने के बाद भी भरत को वही व्यवहार रहे या बदल जाए? 80% चांस है के बदल देगा, नहीं वो इंसान। हाँ, आपको चाचा लग रहा हर जगह जब हम देख रहे हैं, जैसे वीर सागर में हम गए, गजराज यादव की चर्चा भई कि गजराज यादव से भरत की फाइट हुई है। हम पपावनी में गए, उतः पुष्पेंद्र यादव से फाइट की सुन रहे हैं। ई गांव में आए, इतने कुशवाहा जी से फाइट की सुन रहे हैं। लेकिन फाइट हर जगह भरत यादव की दिखाई दे रही है। भरत यादव की इसलिए फाइट दिखा रही है कि अच्छी जनता से संपर्क रखें, जनता की बात सुन रहे, बात सुनने के बाद जनता उनको चाह रही, इसलिए उनकी फाइट मार रहा। तस्वीर है ते की सिमराभाटा की, लोगों से मिलाओ, आपको बताई कि ते का स्थिति है, और भी तमाम गांव में जावे को प्रयास करें, उतः की स्थिति आपको बतावे को प्रयास करें, उतः की समस्याएं भी बताएं, उतः का समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधि ने उतः की लाने अब तक का करो, आपको लगत कौन नेता ने गाँव की लाने कछु करो हो, वोट लेके गो और कहूँ बढ़िया काम कर दो, आपके पास आओ हो कि भैया बताओ का समस्या है पटेरिया साहब? अब तक तो ऐसा कोई नहीं आया। ठीक है, एक समस्या और है कि यहाँ की सबसे ज़्यादा मवेशी परेशान हैं और यहाँ की मवेशी के लिए बहुत दुख है। अगर सब जने चाहे और कोनो प्रत्याशी भी चाहे या सरकार चाहे तो मवेशी की व्यवस्था ज़रूर बनवा देवे, कि मवेशी बहुत बुरी हालत से मर रही, ना उनको कोई पानी पिया रहा हो, और जिसके भीतर पड़ती हैं वे बुरी तरह से लठ दे रहे, बुरी तरह से भगा रहे। अगर सब नेता कोई भी व्यक्ति सुन ले तो गौ के हक में बड़ा अच्छा का काम करा ले तो बहुत बड़ी बात है। हमने बताया है? बहुत बढ़िया बात करी चाचा ने, बहुत बढ़िया बात करी। जोन खेत में जा रही किसान तो चरपट हो ही रहो। हाँ।
मवेशी भी लठ खा रहे, खावे की कोनो व्यवस्था नहीं है। कोई ही खिलाने में व्यवस्था होना चाहिए कि उनकी कम से कहीं रहने की लेने या गौ सदन बन जाए या क्यों पानी के लेके कोनो नदी के पास में छुड़वा हो जाए, ऐसी व्यवस्था लग जाए कि गौ अपने आराम से रहने लगे, सबको मतलब उत्पाद में सबके उत्पाद में आवे। जैसे किसान के पास जाओ तो वो रात दिन मेड़ पे डरो रहे रहो। चाचा हम करीब 100 गांव में गए आपके जिला के चुनाव में 100 गांव में हुआ है। जिसे भी हमने बात करी सबने अपनी बात करी, या तो कि हमें जा समस्या है, ये आपने गांव की बात बताई कि हमारे गांव की जा समस्या है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है और भी तमाम समस्याएं। लेकिन जानवरन की बात कोई ने नहीं करी, जो बोल नहीं सकता, आपने कम से कम बात रखी, गैयन की बात रखी, बहुत अच्छा लगो। ये तो पूरे बहुत की व्यवस्था है, ये तो पूरी पंचायत की व्यवस्था है कि पूरी पंचायत में भी हैरान है, परेशान है। किसान जितना है रात दिन चौमासे की समय लग जाता है तो किसान घर नहीं पड़ेगा। जे छोटे अगर ना ऐसे हैं कौ के तो ढो डांग का करको है, ना माए के ढो छोड़ जाते हैं। यहाँ दुर्दशा से रखत का मतलब आदमी व्यवहार बनाता है, अपने यहाँ लठ मारता है, मारपीट करता है। इसलिए कि मैं यही व्यवस्था चाहता हूँ, सब जो लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि गौ व्यवस्थाएँ जरूर बनवा दें। अगर इसकी कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हों और चाहे विधायक जी हों और चाहे कोई भी आदमी हो, मतलब इनकी व्यवस्था है जरूर अवश्य सुन लें, तो जाके आदमी उसकी आत्मा तक संतोषी किसान को रहे, हर आदमी को रहे, हजारों आदमी को रहेगी। विधायक को है क्षेत्र को, विधायक यहाँ का है शिषपाल यादव, पृथ्वी पर विधानसभा है जा शिषपाल यादव से कछु कंचा। हाँ फिर शिषपाल यादव से मैंने कहा था एक बार, ऐसे मतलब एक निमंत्रण में आए थे तो मैंने शिषपाल यादव से भी बात रखी थी। कम से कम वहाँ 500 आदमी था, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि भाई साहब अगर आप अगर इस मवेशी की अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यवस्था बनवा दें तो आपको आपके इतने मतों से जीता तो आप और भारी मतों से जीतोगे, क्योंकि किसान को तो क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और किसान है परेशान, हम मतलब मवेशी से कोई करके खा नहीं पा रहा हम मतावे, और ना माए से आ रहा ढोर रात दिन भगा रहा हो, ना तो जार व्यवस्था ना तार व्यवस्था। इन सरकार ने देखो मत न खरी इनके पैसा दे सो दलालन को तो दे, ना सरकार ने कोई व्यवस्था रखी है। मता रखरी का जो पैसा है पूरा आदमी ने रखरी बनी है, पुरानी बनी है, नई रखरी किसी ने नहीं बनवाई है, पुरानी रखरी जितनी थी और पैसे खा लिए हैं। ना सरकार ने आज तक चेक इन करवाई और ना कोने को देखा है कि तेने काम कितने किया है कि नहीं किया है। और हम कहते हैं और चापलूसी से पैसे ले गए हैं कर्मचारी और किसी की कोई सुनवाई। सारी हमारा जन नर्सरी का हो चुका है, जा नर्सरी नहीं खरखरी चली गई है, खरखरी का देखो हाँ का है जा खरखरी, पत्थर की बाउंड्री बना खेत किनारे हैं ठीक है। वह शासन द्वारा योजना चलाई जा रही, जो पात्रता में है वो उसको मिलेगी, खेतन पे बनाई जा रही है मेल टाइप की, नहीं बाउंड्री टाइप की। हाँ बाउंड्री जैसी बरवाई लगा जैसी पत्थर की 4 फुट ऊंची पत्थर की बन रही खंडा द्वारा, तो इकला ने सरकार पैसा स्वीकृत कर रही और जो अपना पास करा रहा वो ले आ रहा और बनवा रहा। अब बाकी किस... रिश्वत भी लग रही चाचा का? नहीं रिश्वत को तो भगवान जाने, जिसे भी मंजूर करा के ले आ रहे हो मैं, जो तो अपन कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ये अनुभव लग रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना सरकारी पैसा अगर सरकार आपको मदद देती है तो उस काम में लगाएं, उस कम से कम उसकी सुरक्षा हो जाए तो उनका आगे चले के भविष्य सुधरेगा। अब तुम आज पैसा ले आके और दंड फंद करोगे, पैसा बर्बाद उठा दोगे तो क्या होगा? अच्छा कई लोग पैसा ले आए पास करवा ले, काम नहीं लगाओ, काम नहीं लगाया है, खा गए पैसा सरकार, खा गए पैसा सरकार की। जांच होनी चाहिए, जांच होना हो चाहिए, जरूरी है। चाचा ने बात रखी के पैसा ले ले खर खरी के, बब्बा का चुका ना हो, हमारे आज तक ना पेंशन ही नहीं बनी, का करें माजा के कलम किया जाते बन जाए बन जाए आज की कितनी हो गई उम्र का? हमारे 70 साल। नाव का है और? हमारा रतन पाल। रतन पाल साहब 70 साल, हमारा पेंशन नहीं बनी, कोई पैसा नहीं, कौ से कही हमारे से कैसे कहो, हमारे तो आपकी बात पहुंचा दें। अच्छा बात सरपंच से, विधायक से, इतने के जिला पंचायत सदस्य से, कौन से कई नेता है? खूब आई क्या क्या है परेशान, नहीं बनी आज तक न। अब फिर आए आपसे वोट मांगवे तो? अच्छा हम कहा हो जाए वोट कचु काम ही नहीं करा रहे वोट का कीजिए। चलो बढ़िया है, अब वोट मांगवे आए सो उनसे कियो कि भैया हमारी पेंशन नहीं बनी, ई के लाने करवाओ कछु? नहीं तो आज तक ना कुछ भाव नहीं, हम क्या करें जी। बब्बा हैं 70 साल, इनकी उम्र हो गई पेंशन के लाने, कई जन से कह चुके पेंशन नहीं बनी इनकी। अब प्रत्याशी इनको तो ऐसा है वोट मांगे, एक कुशवाहा जी ने वोट लेके चले गए, 5 साल 7 साल जनता को दर्शन नहीं भय। ऐसे और भी तमाम प्रत्याशी, तमाम कुशवाहा जी ऐसे घूम रहे हैं जो जाति विशेष को हम और टारगेट नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं, ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि हैं
जो वोट लेके चले जात लेकिन फिर जनता के पास नहीं आत, शकल नहीं दिखात, फिर बब्बा सीधी सीधी कह रहे जाए तय की स्थिति है, अधिकतर गांव की तरह इतने भी यही स्थिति है। धन्यवाद।